हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस। हाउ आर यू? फाइन, परफेक्ट। तो कैसा रहा लास्ट लेक्चर जो हमारा था, परम्यूटेशन व्हेन ऑल एलिमेंट्स आर डिफरेंट का? तो हमारा लास्ट टॉपिक जो था हमने वो कंप्लीट किया था। तो आई होप कि आपने स्टडी किया होगा, उस पर स्टडी करने के बाद अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन बनाए होंगे और जो है वो उसके ऊपर वर्कआउट भी किया होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक तो हमने काम कर लिया। हमने काम कहाँ तक किया था बेटा? काम हमने वहां तक किया था, हमने कहा था लास्ट क्लास में कि व्हेन ऑल एलिमेंट्स आर डिफरेंट, अगर तमाम एलिमेंट्स क्या हो डिफरेंट हो तो कंडीशन क्या होगी, और अगर तमाम एलिमेंट्स डिफरेंट ना हो, कोई रिपीट हो जाए तो फिर क्या होगा। ठीक है ना, तो हमारे जो लास्ट टॉपिक था, हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो उसके ऊपर था कि व्हेन ऑल एलिमेंट्स आर डिफरेंट। आज का टॉपिक जो है वो देखते हैं क्या है। आज के टॉपिक के अंदर मैंने कहा कि व्हेन ऑल एलिमेंट्स आर नॉट डिफरेंट, तो इट्स मीन कि ये वो कंडीशन हो गई कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट नहीं है। तो सारे के सारे एलिमेंट्स अगर डिफरेंट नहीं है तो क्या सेम है? मैं क्लास में ये बात पूछता हूँ, जब भी मैं क्लास कंडक्ट कर रहा होता हूँ ना क्लास में, तो बच्चों से पूछता हूँ ये बात। मैं कहता हूँ कि इसने कहा कि व्हेन ऑल एलिमेंट्स आर नॉट डिफरेंट, तो व्हेन ऑल एलिमेंट्स आर नॉट डिफरेंट सो ऑल एलिमेंट्स आर सेम। नहीं, ऐसी पॉसिबिलिटी तो नहीं है, ऐसे तो कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। ठीक है, कहता है व्हेन ऑल एलिमेंट्स आर नॉट डिफरेंट, तो सारे के सारे डिफरेंट नहीं है, कुछ रिपीट हो सकते हैं, कुछ रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी लेटर रिपीट हो गया तो फिर हमने पिछला वाला जो केस था वो केस अप्लाई नहीं करना, क्योंकि वो किस केस क्या था, व्हेन ऑल एलिमेंट्स आर डिफरेंट के लिए। अभी जो हम केस की बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, व्हेन ऑल एलिमेंट्स आर नॉट डिफरेंट। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस तरह का आएगा। सेम वही क्वेश्चन आएगा, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स बी अरेंज, कि आप जो है बताएं कि जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स है वो और मजीद कितने तरीकों से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो काम है ना वो काम क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि अगर जब भी कभी भी कोई भी लेटर रिपीट हो गया तो आपने क्या करना है, आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। समझ लो ये केस नंबर 2 का फॉर्मूला है, वो केस नंबर 1 का फॉर्मूला था, सिंपल फैक्ट सिंपल जनरल फॉर्मूला परम्यूटेशन का। ये जो फॉर्मूला है ये केस नंबर 2 का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करोगे, जब एक भी लेटर क्या हो जाए, रिपीट हो जाए। ठीक है ना, तो फॉर्मूला क्या है बेटा, p इक्वल टू n फैक्टोरियल, न्यूमिनेटर का n फैक्टोरियल सेम रहा, जो उसमें था वो इसमें था। अब यार डिवाइड डिवीजन में क्या हो रहा है, डिवीजन में लिखा हुआ है कि n1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये जो n1 है, ये n2 है, ये n3 है, ये है क्या, ये कैटेगरीज है, ये कैटेगरीज है। कितनी तरह के इस वर्ड में लेटर्स हैं, कितनी ही तरह के इस वर्ड में क्या है, लेटर्स हैं, हमें ये देखना है। ठीक है ना, तो कितनी तरह के लेटर्स हैं इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें लिस्टिंग बनानी पड़ेगी, लिस्ट बनानी पड़ेगी कि कौन कौन से लेटर्स जो हैं वो कितने टाइम्स हैं। ठीक है ना, तो देखो लिस्टिंग के हिसाब से हमने N1 नाम दिया, किसको, एस को नाम दे दिया। ठीक है, वो देख के बताओ इस पूरे के अंदर, इस पूरे के अंदर इस स्टैटिस्टिक्स का जो वर्ड है इसमें एस कितने हैं, 3 है ना। मैं दिखाता हूँ आपको, आप स्क्रीन देखें, 1 2 3, इट्स मीन N1 कितना हो गया, 3 हो गया। नेक्स्ट N2 मैं नाम देके इसको T को, T कितने हैं, T 1 2 3, तो T की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। इट्स मीन N3 जो है वो A है, A को रिप्रेजेंट कर, तो A कितने टाइम्स है, 1 टाइम है, 1 लिखा। फिर N4 नाम दे, किसको, I को नाम दिया, I यहाँ पे कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो इसका मतलब I की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। फिर N5 C, C कितने टाइम्स है यहाँ पे, 1 टाइम है। चेक करो क्या सारे लेटर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए, S यहाँ पे चेक किया है, T बना दिया, टी का ए का ये बना दिया, टी हो चुका, आई आई का ये बना दिया, एस हो चुका, टी हो चुका, आई हो चुका, सी सी के लिए आखिर में बना दिया, एस स्टार्टिंग में हो चुका। इसका मतलब ये हो गया कि आपने जितने भी इस वर्ड के अंदर लेटर्स थे उनको
उनको कैटेगरी में डिफाइन कर दिया। ये टोटल कितनी कैटेगरीज हो गई? 5 कैटेगरीज हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ड स्टैटिस्टिक्स में 5 टाइप्स के लेटर्स यूज हो रहे हैं। ये जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स है इसमें कितनी तरह के लेटर यूज हो रहे हैं? 5 तरह के आपके क्या हो रहे हैं? लेटर इसमें यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो 5 लेटर्स हैं। अब देखो कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, इन सब का आप टोटल निकाल दें, इन सब का आप टोटल निकाल दें। जो आपने वैल्यू निकाली है वो क्या है? 3 + 3 = 6, 6 + 1 = 7, 7 + 2 = 9, 9 + 1 = 10, 10। जब भी कभी भी कैटेगराइज करो ना, जब भी कभी भी क्या करो, इसको कैटेगराइज करो, तो कैटेगराइज करने के बाद इसका टोटल निकाल देना, और टोटल निकालने के बाद इस वर्ड पे जाना और वर्ड उस वर्ड में लेटर्स को काउंट करना। लेटर्स को मैं देखो काउंट कर रहा हूँ, मेरा जो माउस है मैं उस पर चेक कर रहा हूँ, देखो मैं उस पर यहाँ शो कर रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इट्स मीन मेरे 10 की जो वैल्यू है वो बिल्कुल सही। कभी कभी ऐसा होता है हम कोई वर्ड जो है, कोई लेटर जो है वो काउंट करना भूल जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लेटर्स को क्या करते हैं, ज्यादा काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल डिफाइन जो कर रहा है ना, उसके अंदर सबसे बेनिफिट ये हो जाएगा कि आप जो है उस एरर से बच जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कहाँ तक जाएगा? ये फॉर्मूला वहां तक जाएगा जितनी कैटेगरी आपने यहाँ पे डिफाइन की है। यहाँ पे कितनी कैटेगरी डिफाइन की है? 5 कैटेगरी डिफाइन की है। इट्स मीन यहाँ पे फॉर्मूला कहाँ तक गया? 5 तक गया, N1, N2, N3, N4, N5, यहाँ तक तो चला गया फॉर्मूला। तो आई होप यहां तक तो कोई मसला नहीं है, यहां तक तो क्लियर है मामला, ठीक है। चले अब जो पॉइंट कह रहा हूं ना, इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंटली लेना और बहुत समझना इस बात को कि हमने करना क्या है। न्यूमरेटर में तो आपके पास क्या है? n, n कितना है? 10। n की जगह पे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। डिनोमिनेटर्स में आपने क्या किया हुआ है? कैटेगरी को डिफाइन किया हुआ है। डिनोमिनेटर्स में आपने क्या किया हुआ है? कैटेगरी को डिफाइन किया हुआ है। तो कैटेगरीज कितनी है? 5 कैटेगरीज है। लेकिन हम यहाँ डिनोमिनेटर्स में जो 1 वाले हैं वो शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? क्योंकि 1 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है। 1 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे 1 के अलावा ये जो वर्ड क्या है ना, इसको बड़ा ध्यान से देखना, सुनना है आपने। 1 के अलावा जितनी वैल्यूज, जितनी कैटेगरीज यहाँ पर डिफाइन की हुई है, वो सारी की सारी डिफाइन कहाँ पे होंगी? नीचे डिनोमिनेटर में। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर स्लाइड आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाऊं, देखो आप कि n कितना था? 10 आ गया, 10 फैक्टोरियल। अब यहाँ 1 के अलावा क्या क्या है? 1 के अलावा क्या क्या है? ये s का 3 है, p का 3 है, i का 2 है। तो इसका मतलब 3, 3, 2। अब ये 3, 3, 2 सिर्फ 3, 3, 2 नहीं लिखेंगे, साइन ऑफ फैक्टोरियल के साथ लिखेंगे ना, क्योंकि 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, ये काम करना है आपने, ठीक है ना। तो एक बात समझ में आ गई, ये वाली बात कि जब भी कैटेगराइज करोगे, कैटेगराइज करने के बाद जो भी 1 के अलावा की वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी डिनोमिनेटर में आएंगी, उनके अलावा 1 वाली वैल्यूज नहीं आएंगी। 1 वाली वैल्यूज क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, अब तो जस्ट सिंप्लीफिकेशन है। अब 10 फैक्टोरियल अपना कैलकुलेटर उठाएं, कैलकुलेटर उठाकर 10 का फैक्टोरियल निकाल दें, या तो डायरेक्ट वो कर दें, या फिर 10 को 1 तक क्या कर दें, एक्सटेंड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें ऊपर, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? 3 × 2 × 1, तो 3 × 2 = 6, 6 × 1 = 6, तो इट्स मीन 3 का फैक्टोरियल क्या आ गया? 6 आ गया। 3 का फैक्टोरियल क्या आ गया? 6 आ गया। 2 का फैक्टोरियल क्या आ गया? 2 आ गया। आप डिनोमिनेटर्स वाली वैल्यू, न्यूमिनेटर तो सिंप्लीफाई हुआ हुआ है, डिनोमिनेटर्स वाली जो वैल्यूज हैं, 6, 6 = 36, 36 × 2 कितना हो जाएगा? 72, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं आगे इसको, मजीद सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे हुई भी है, और मैंने इसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर दिया, और न्यूमिनेटर में न्यूमिनेटर वाली वैल्यू रखी, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर वाली वैल्यू रखी, और जिसका आंसर आया डिवाइड करने के बाद वो आपका आंसर आएगा 50400 वेज।
तो आई थिंक कि यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है आपके पास पेपर के अंदर भरा पड़ा है, बहुत टाइम्स आया है, मैनी टाइम्स आया है, ठीक है ना। ऑल्टरनेटिव ईयर्स में देखो आप, उसमें पास पेपर के अंदर आपको मिलेगा, बहुत मिलेगा ये सवाल। परमुटेशन कैटेगरी के अंदर ना ये क्वेश्चन बड़ा आता है, जिसके अंदर लेटर रिपीट होते हैं, ठीक है। तो लेटर रिपीट अगर ना हो तो इससे पहले वाला लेक्चर था, और अगर कोई लेटर रिपीट हो गया तो उसके लिए ये लेक्चर है, ठीक है ना। ये वर्ड स्टैटिस्टिक समझ में आ गया, इसकी हर चीज समझ में आ गई। इसी तरह का मैं इसी में एक और क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, देखिए आप। वर्ड है अकाउंटेंसी, वर्ड है क्या, अकाउंटेंसी। व्हेन ऑल एलिमेंट्स आर नॉट डिफरेंट, तो इट्स मीन कि कोई ना कोई लेटर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे अकाउंटेंसी का आंसर चेक करते हैं, अकाउंटेंसी का आंसर कितना बनता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सो कैटेगराइज करेंगे। ए N1 नाम दिया किसको, ए को। तो ए कितने टाइम्स है, वन टू टू टाइम्स है, चेक करते हैं ना साथ साथ बेटा। फिर इसके बाद सी, सी कितने टाइम्स है, वन टू एंड देन थ्री, इसका मतलब सी जो है वो थ्री टाइम्स है। N3 नाम दिया किसको, ओ को। ओ कितने टाइम्स है, वन टाइम्स है, वन आ गया। फिर यू नाम दिया कितने, इसमें क्या है, यू कितना है, वन टाइम्स है, ठीक है ना। फिर टी, टी कितने टाइम्स है इस पूरे के अंदर, वन टाइम है। फिर नाम दिया एन, एन कितना है, टू टाइम्स एन है। फिर क्या बचा, वाई बचा। सी आप काउंट कर चुके हो, वाई कितने टाइम्स है, वन टाइम। तो चेक करो क्या आपने सारे लेटर यूज कर दिए, ए भी यूज कर दिया, सी भी यूज कर दिया, ओ भी कर दिया, यू भी कर दिया, एन भी कर दिया, टी भी कर दिया, ए भी कर दिया, एन भी कर दिया, सी भी कर दिया, वाई भी कर दिया, सबको आपने क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया। जब ये सवाल करो ना, तो इस चीज को बड़ा ध्यान में रखो, इसको ना अपने ना दिमाग में बिठा के रखो, इस तरह से काम करना है, ठीक है। तो अब क्या कर दें, आप इसका टोटल निकाल दें। अब टोटल निकालें, यहाँ पे कितना आया, 11 आ गया ना। अब 11 जो आया है वो मैंने क्या बात बोली थी, आप जो है वहां पे जो यहाँ वर्ड लिखा हुआ है इसके अंदर काउंट करो कितने लेटर्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखा मैंने, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, इट्स मीन आपका टोटल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो 11 आ रहा है, ठीक है बेटा। तो अब जस्ट क्या करना है, फॉर्मूले को कैटेगराइज करना है, कितनी कैटेगरी है, सेवन कैटेगरी है। फॉर्मूला कहाँ तक एक्सटेंड हो गया, सेवन तक एक्सटेंड हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, N1 फैक्टोरियल एंड मल्टीप्लाई बाय N2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय N3 फैक्टोरियल डॉट 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 एंड देन N7 का फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो पूरा लिखना बहुत जरूरी नहीं है, अगर 10 कैटेगरीज हो तो क्या 1-10 तक लिखेंगे उसको, नहीं, बीच में डॉट डॉट करके स्टार्टिंग के 3 वैल्यूज देना, और फिर डॉट डॉट करके लास्ट जो आपका फैक्टर होगा उस फैक्टर को लिख देना। अब जस्ट क्या किया मैंने, मैंने वही काम किया, मैंने कहा एन कितना है, 11 है, एन की जगह पे क्या आ गया, 11 आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या बात बोली थी, मैंने बोली थी कि 1 के अलावा जितनी भी वैल्यूज होनी होंगी वो सारी की सारी जो है वो आपके डिनोमिनेटर में आएंगी। अब 1 के अलावा क्या क्या है, 2 3 2, 2 3 2, इट्स मीन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना, ये डिनोमिनेटर में आ गया। अब 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, मुझे एक बात बताओ, 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 11 फैक्टोरियल। सबसे पहले तो 11 फैक्टोरियल आप कैलकुलेटर से निकालो, 11 को 1 तक क्या कर दो, या तो एक्सटेंड कर दो, या फिर डायरेक्ट कैलकुलेटर से आप 11 फैक्टोरियल निकाल दें, ये आपको क्या बन गया, न्यूमिनेटर बन गया। डिनोमिनेटर में क्या हुआ बेटा, जो 2 का फैक्टोरियल क्या हो गया, 2 हो गया। 3 का फैक्टोरियल जो है वो हो गया 6, 2 का फैक्टोरियल जो है वो 2 हो गया। जहां तक कोई मसला, यहां तक क्लियर है, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड क्या होगी हमारी, नेक्स्ट टर्म क्या है, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई, 2 6 12, 12 2 24, 24 ये आ गया। आपने क्या किया, इस पूरी वैल्यू को 24 से डिवाइड कर दिया, आपका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, ओहो तो बहुत ज्यादा आंसर आ रहा है, 16,63,200। तो स्टेट्स में कितना आया था, 50,400, इसका मतलब अकाउंट्स जो है वो ज्यादा भारी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अकाउंट्स के अंदर जो लेटर्स हैं वो ज्यादा हैं, और स्टेटिस्टिक्स में लेटर्स जो थे वो कम थे, इसीलिए लेटर स्टेटस की जो कंपनी परमोटेशन बनी वो कम बनी थी,
यहाँ पे लेटर्स ज्यादा हैं इसलिए इनकी अरेंजमेंट भी ज्यादा, जाहिर सी बात क्या होगी वो ज्यादा होगी। तो होपफुली आपके पास ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि जब भी कभी भी हमें अगर कोई लेटर रिपीट करना हो, तो अगर कोई लेटर रिपीट हो रहा है क्वेश्चन के अंदर तो आप क्या करेंगे, और अगर क्वेश्चन के अंदर कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे, ठीक है ना। तो अभी इस लेक्चर में हमने सीखा कि अगर कोई भी लेटर रिपीट हो जाए तो आपने क्या करना है, और इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने ये बात सीखी थी कि अगर तमाम के तमाम लेटर्स क्या हैं, डिफरेंट हैं, तो हम क्या काम करेंगे, ठीक है ना। तो स्टे ट्यून, आपने क्या करना है, सबसे पहले जो बेल आइकन है उसको क्लिक करना है, जो न्यू यूजर्स हैं वो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को क्लिक करेंगे, और जब भी हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आएगी वो आपके पास सामने आ जाएगी, और आप देख रहे होंगे मेरे दोनों साइडों पे जो है वो एक साइड पे जो है मेरे वो प्रीवियस टॉपिक के नेम लिखे होंगे, और एक प्लेलिस्ट होगी, और उस प्लेलिस्ट के अंदर जो है वो तमाम टॉपिक्स आपको शो हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस टॉपिक से रिलेटेड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हमने ये तमाम चीजें सीख ली हैं कि वर्ड्स अगर हो तो क्या होगा, नंबर्स होंगे तो क्या होगा, ये तमाम चीजें हमने सीख ली हैं, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह मूव करेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा ताकि जो है वो आपको न्यू टॉपिक समझ में आता रहे। अगर प्रैक्टिस में रहोगे तो चीजें समझ में आती हैं, वरना भी चीजें समझ में नहीं आती, ठीक है। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज्यादा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।